सभापति महोदय, मैंने बहस के बीच में बोलने की आशा नहीं की थी क्योंकि हमने अपनी नीति को बहुत स्पष्ट कर दिया है। मुझे एक माननीय सदस्य से यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि हमारे माननीय सदस्यों को हमारे देश की जनता पर विश्वास नहीं है, जिसे वे बराबर प्रकट कर रहे हैं। हम क्या ऐसे नागरिक हैं जिन्हें अपने में भी विश्वास है या नहीं? बहस को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि यह प्रश्न उस प्रश्न से कहीं अधिक महत्व का है। बांग्लादेश के शरणार्थियों का क्या हो रहा है? यदि हमें अपने विश्वास नहीं है तो हम कुछ कहें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते। पैरा, मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ, अपनी जनता और अपनी सरकार में असीम विश्वास के साथ कह रही हूँ। मुझे इसमें संदेह है नहीं कि जो समस्या हम पर आ पड़ी है, हम इसका सामना कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यही है कि किन्हीं शरणार्थियों को कोई कष्ट नहीं होगा? इसका यह मतलब कभी नहीं हो सकता। जब किसी भी देश को ऐसी बाढ़ का अचानक सामना करना पड़े, वह भी लंबी अवधि में नहीं, कुछ सप्ताह की छोटी सी अवधि में 60 लाख लोगों का आना कोई मजाक नहीं, न ही कोई मामूली बात है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगी कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा देश है जिसे इस तरह की समस्या के 10वें हिस्से का भी सामना करना पड़ा हो। स्थिति की वास्तविकता समझने की बजाय इस सदन में बैठकर बस आलोचना ही करते जाना बहुत सरल है। यदि किसी यूरोपीय देश में केवल 10,000 शरणार्थी आ जाएं, तो सारे अखबार, सरकार और हर आदमी उबल पड़ेगा। हम करीब 60 लाख ऐसे इंसानों की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंक के साम्राज्य से बचकर भाग आए हैं और जो घायल, बीमार, भूखे, नंगे और थके मांदे हैं, और वे हमारे जैसे देश में आए हैं जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है। इन्हें युद्ध के कारण हटाए गए लोग कहें या शरणार्थी या और जो कुछ कहना चाहें, इनके साथ हमारी निसंदेह सहानुभूति है। स्टॉप। सभापति महोदय, इनकी देखभाल के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, चाहे हमें त्याग करना पड़े, भूखा रहना पड़े। मैं आशा करती हूँ कि माननीय सदस्य एक समय का भोजन छोड़ने का आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारे अपने गरीब लोग कष्ट न भोगे, मरे नहीं। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेवारी अपनी जनता के प्रति और दूसरी अपने मित्रों के प्रति जो सीमा पार से आ रहे हैं। पैरा, हमारे एक माननीय सदस्य ने दूसरे देशों के सामने भीख की झोली फैलाने की बात कही।
महोदय, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं, मैंने न कभी भीख मांगी है और न अब मांग रही हूँ, न ही मेरे मांगने का इरादा है। यदि हमारे दूत एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो वे कमजोरी की बात नहीं करते हैं, वे भीख नहीं मांगते हैं। हम इसलिए उन्हें भेज रहे हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और हम विश्व समुदाय को हाथ झाड़कर इससे दूर नहीं होने देंगे। वे सहायता दे या न दें, लेकिन दुनिया के कुछ इस हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसके परिणाम उन्हें अवश्य ही भोगने होंगे। इस समस्या को हमें उनके सामने ठीक रूप में रखना चाहिए। हमें सहायता अवश्य चाहिए और हमें जितनी अधिक सहायता मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह हम शरणार्थियों की देखभाल कर सकेंगे, किंतु अभी तक आवश्यकता को देखते हुए यह सहायता बहुत ही कम है। अभी तक हमने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार जितनी आवश्यकता है यह सहायता उसका दसवां हिस्सा है। मैं आशा करती हूँ कि यह सहायता बढ़ेगी, लोगों का जीवन बचाने, बच्चों को बेहतर पोषाहार देने और हैजे या दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध करने की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु हमारी अपील इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की दृष्टि से अधिक महत्व रखती है। हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता है शरणार्थियों के जीवन और सुख सुविधाओं की, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चिंता है लोकतंत्र की समस्या की, मानव अधिकारों की समस्या की। हमारे सामने और सारे संसार के सामने मानव गरिमा के चुभने वाले और हृदय विदारक रूप उभर कर सामने आए हैं। हमारे प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से बाहर गए हैं कि लोगों को बताया जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। पूर्ण विराम। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।